दोस्तों थ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत है और आज के वीडियो के टॉपिक है ये CD4017 आईसी। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे CD4017, ठीक है। इसी आईसी को लेके बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाना जा सकता है, जैसे कि आप यूट्यूब पे शायद देखे होंगे कि किसी ने इसी के साथ पासवर्ड लॉक बनाया है, किसी ने इसको लेके एलईडी चार्जर सर्किट बनाया है और किसी ने अगर इसके साथ ये पिनआउट कंट्रोल प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये कैसे बनाते हैं, तो ये एक ही आईसी इतने सारे प्रोजेक्ट के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं भी जब इतने इसी आईसी के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था तो मेरे भी डाउट होता था कि एक आईसी से इतने सारे प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो आज मेरे पास सब कुछ क्लियर हो गया है, तो मैं आपको भी समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा जितना हो सके आसान भाषा में। तो आप इसी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, तो मेरा आने वाले जो कुछ भी इसी के बारे में प्रोजेक्ट होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मेरे वीडियो अपलोड होते होते आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी सर्किट को आप इसी पिन को हम चेक करेंगे कि कौन सा पिन किसके लिए है, कौन सा पिन का क्या कनेक्शन है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे पहले। तो ये हो गया उसका सीमेटिक, ठीक है। सीमेटिक का मतलब उसका जो पिन डायग्राम है वो ये है, क्योंकि इसका जो ये कटआउट यानी नॉच दिख रहा है, ये जो आप ऊपर में जो कटआउट देख सकते हैं तो ये देखो ये ऊपर में जो कटआउट है उसके बगल में एक पॉइंट है, होल है, इसी होल से होल के बगल में जो रहता है वो पिन वन होता है, क्योंकि मेरा ये है पिन वन, ठीक है। उसके बाद में ये पिन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और उसके बाद यहाँ पे नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन, ऐसे इसका पिन नंबर काउंट होता है, ठीक है। तो अगर इसी सभी आईसी के लिए एक इसी पिन को चिन्हने के लिए सभी आईसी में एक ही तरीके से इसको पिन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो किसी किसी आईसी में ये होल नहीं होता है लेकिन ये कटआउट जरूर होता है, ठीक है। जब भी ये कटआउट दिख रहा है उसके बगल में लेफ्ट साइड में पिन वन स्टार्ट होता है। तो देखते हैं इसी पिन का क्या कनेक्शन है। तो वन से लेके सेवन तक ये हमारा आउटपुट है, ये आउटपुट फाइव है, मैं लिखना भूल गया, फाइव ये पिन वन आउटपुट फाइव है। तो ये वन से लेके सेवन तक ये आउटपुट है और नाइन से लेके इलेवन तक ये तीन आउटपुट है, तो टोटल हमारा दस आउटपुट है। और ये हमारा VCC पिन है, यहाँ पे मैंने प्लस वोल्टेज देना होगा हमको, तो प्लस भी और यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज यानी ग्राउंड देना होगा, तो ये आठ नंबर पिन में ग्राउंड देना होगा। तो उसके बाद ये जो पिन सारे है ये आउटपुट पिन है और ये भी आउटपुट पिन है और ये सारे हम इनपुट कह सकते हैं इसको इनपुट, ठीक है। तो इसी पिन में पिन के साथ हम जो करेंगे वो इसी पिन में आउटपुट होके निकलेगा। तो अब बारी आता है कि आउटपुट कौन सा आउटपुट क्या है, तो ये तीन नंबर का जो पिन है वो है आउटपुट जीरो, यानी पहले ये नंबर का पिन आउटपुट ऑन होगा थ्री। तो कैसे ऑन होगा, ये 14 नंबर पिन पे जब पहला क्लॉक पल्स आएगा यानी पहला पॉजिटिव वोल्टेज उसके बाद नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है। तो क्लॉक पल्स के बारे में बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। पहले ये आउटपुट जीरो ऑन होगा, उसके बाद आउटपुट वन यानी पिन टू ऑन होगा, इसमें से आप एलईडी लगा सकते हैं कौन सा पिन ऑन हो रहा है वो देखने के लिए। तो आउटपुट जीरो ये है आउटपुट वन, चार नंबर का पिन है आउटपुट टू, ऐसे जैसे लिखा है यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। और इधर भी आउटपुट जो सीक्वेंस में है जीरो से लेकर नाइन तक देख सकते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सभी इसके बीच में है। और हमारा ये इनपुट पिन के बारे में बात करेंगे, पहले तो ये बैटरी का कनेक्शन दिखा दिया हम, ये पॉजिटिव वोल्टेज या फिर नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे जो 12 नंबर का पिन है ये है कैरी आउट, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो
पहले हम बात करते हैं ये 13 नंबर की पिन की, तो 13 नंबर है इनेबल पिन। क्योंकि ये आईसी को लेके कुछ भी प्रोजेक्ट करेंगे तो ये 13 नंबर का पिन में नेगेटिव वोल्टेज देना होगा, यानी इसको ग्राउंड के साथ अटैच करना होता है, तो ही ये आईसी इनेबल होता है। और जब ये ग्राउंड के साथ डिटैच होके पॉजिटिव वीसीसी के साथ अटैच हो जाता है, तो आप अगर कनेक्ट कर देते हैं तो ये आईसी डिसेबल हो जाता है। तो मान लीजिए अगर आपका ये आउटपुट समथिंग आउटपुट 7 ऑन है, ये ऑन है, तो तभी आप इसको 13 नंबर पिन को जो कि इनेबल पिन उसको वीसीसी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये आईसी डिसेबल हो गया। तो ये उसके बाद में ये काम नहीं करेगा, ये आउटपुट 7 हमेशा ऑन रहेगा। तो ये है हमारा इनेबल पिन। तो आईसी को इनेबल करने के लिए पहले इसी पिन में नेगेटिव वोल्टेज देना होगा, और उसके बाद आता है ये क्लॉक पिन। क्लॉक में क्या होता है, पहले जब भी हम क्लॉक में अगर ऐसे पॉजिटिव वोल्टेज देता है, उसके बाद जो इसी राइज में ये एक काउंट लेता है, उसके बाद वोल्टेज जीरो हो जाता है प्लस वी और ये जीरो वोल्ट। उसके बाद अगर हम ऐसे अगर एक और क्लॉक पल्स दे दिया यानी एक और प्लस वी, तो ये इसी जो राइजिंग पॉइंट है जिस पॉइंट पे वोल्टेज राइज हो रहा है उसी पॉइंट पे ये आउटपुट को स्विच करता है। पहले जीरो आउटपुट, फिर इसे जीरो आउटपुट ऑन होगा, और इसे इसी राइजिंग पॉइंट पे 1 आउटपुट ऑन होगा, इसी राइजिंग पॉइंट के आउटपुट 2 ऑन होगा, ऐसे करके ये चलेगा। तो ये क्लॉक पल्स आप कैसे दे सकते हैं, बहुत सारे सर्किट में मैंने देखा है आईसी 555 से ये क्लॉक पल्स देता है आईसी 555 से, और आप इसको एक बटन स्विच से भी दे सकते हैं। बटन स्विच से जब प्रेस करेंगे तो ये बटन ऑन होगा, यानी प्लस भी मिलेगा इसको। तो उसका कनेक्शन कुछ इस तरीके का है, ये हमने पॉजिटिव वीसीसी उसके साथ ये बटन को अटैच किया, वो हमारे ये पिन इनपुट पिन जो 14 पिन इसी पिन में अटैच हुआ, और इसके साथ एक लार्ज रेजिस्टेंस यानी 10K और आप 100K भी लगा सकते हैं, 100K ये पुल डाउन रजिस्टर के तौर पे हम ग्राउंड में कनेक्ट करते हैं, ताकि जब भी ये स्विच को छोड़ देते हैं तो ये वोल्टेज को पुल डाउन करके ग्राउंड में ले आता है, ताकि उसके अगला वाला क्लॉक को ये देख सकते हैं। ठीक है, तो अब रह गया है मेरा रीसेट और कैरी आउट पिन। ये क्या है, 12 पिन है कैरी आउट और 15 पिन है रीसेट पिन। तो ये कैरी आउट पिन बेसिकली क्या है, जब हमारा 5 आउटपुट कंप्लीट हो जाता है, ये पहले कैरी आउट क्या होता है 1 2 3 4 5, ये 5 हमारा आउटपुट है 0 1 2 3 4 5। तो 0 से ये कैरी आउट पिन में वोल्टेज रहता है, उसके बाद ये 5 में आते ही ये वोल्टेज डिक्रीज होता है, और उसके बाद 6 7 8 9, तो जब भी 9 पे आता है तो ये इंक्रीज हो जाता है, तो ये एक टोटल साइकिल कंप्लीट करता है। तो ये कैरी आउट को हम किसी अगर एक प्रोजेक्ट में हमको दूसरा कुछ इसी 14 आईसी को लगाना होता है, तो ये कैरी आउट पिन को उसी आईसी के साथ कैस्केड करने के लिए यानी जोड़ने के लिए हम इसी पिन को इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये जब इसका 10 काउंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये सपोर्ट नहीं करता 11 10 11 11 की काउंट ये सपोर्ट नहीं करता है, तो इसीलिए ये जो राइज होगा ये उसी जो दूसरा वाला CD4017 आईसी है उसमें जाएगा, तो ये वो सेंस करेगा कि इसका खत्म हो गया है अब मेरा काम चालू है, तो इसके लिए ये कैरी आउट पिन यूज होता है। और ये 15 का जो रिसेट पिन है ये एक वाइटल पिन है। जब आपको मान लीजिए यहाँ पे कुछ एक आउटपुट ऑन है, मान लीजिए ये आउटपुट 2 ऑन है, उसके बाद इसी रिसेट पिन में अगर हम VCC दे देंगे, पॉजिटिव वोल्टेज दे देंगे रिसेट पिन में, तो ये रिसेट होकर आउटपुट 0 ऑन हो जाएगा, यानी जहाँ पे भी था आउटपुट वो रिसेट होकर 0 हो जाता है। तो इसी आईसी को सक्सेसफुली ऑपरेट करने के लिए इसी रिसेट पिन को हमको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो ग्राउंड के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ऐसे ही कुछ लार्ज रेजिस्टेंस पुल डाउन रेजिस्टेंस देता है इसको लगा के हम इसको भी रिसेट पिन के साथ, ये रिसेट पिन को भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे अगर ऐसे ही बटन लगाएंगे तो ये ऐसे पॉजिटिव जब वोल्टेज मिलेगा इसको इसी पिन को रिसेट पिन को, तो ये आईसी रिसेट होकर आउटपुट 0 ऑन हो जाता है। तो ऐसे ही काम करता है। तो हम इससे LED चार्जर कैसे बना सकते हैं,
एलईडी चेजर बनाने के लिए हमको ये आउटपुट पिन्स में हमको एक सिक्वेंशियल एलईडी कनेक्ट करना होता है। पहले आउटपुट 0 का एलईडी पहले है, उसके बाद 1 का एलईडी, 2 का एलईडी। ये पिन डायग्राम कुछ इस तरीके का, पहले वाला आउटपुट 5, उसके बाद वाला आउटपुट 1। ये क्यों है, ये सिक्वेंस में नहीं है, वो मुझे नहीं पता है। तो ऐसे हम सिक्वेंस में लगाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके एलईडी को लगाएंगे इसमें से, और एक लास्ट में एक ग्राउंड के साथ लगाने के लिए एलईडी का दूसरा वाला पिन को एक रजिस्टर से इसी ग्राउंड पिन में लगा देंगे, ताकि जब भी एक आउटपुट ऑन हो उसके बगल वाला जो उसके साथ जो कनेक्टेड है वो एलईडी ऑन हो जाए। तो इसको इसी क्लॉक पल्स देने के लिए हम IC555 को इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जब उसका ऑन ऑफ होता है तो ये 14 पिन पे जाता है। तो 14 पिन जब ऑन ऑफ होता है तो ये राइजिंग पॉइंट मिलता है इसको, वोल्टेज राइजिंग पॉइंट। तो वो पॉइंट पे इस ये आउटपुट को सीक्वेंस से चलाता है, तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आउटपुट को ऑन करता है। ठीक है, तो वीडियो पहले ही काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगा आपको, क्योंकि रिमोट कंट्रोल रिले प्रोजेक्ट मैंने आज ही ब्रेड बोर्ड के ऊपर बनाया है, तो उसको देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया है जो कि इसी आईसी से बनाया है। ये एक रिमोट कंट्रोल रिले प्रोजेक्ट है जो कि इसी रिमोट के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये देखो, मैंने बटन दबाया ये ऑन हो गया, फिर से बटन दबाया ये ऑफ हो गया। तो ऐसे आप इसी सर्किट को किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कि आपको रूम की पंखा चलाना और बंद करना हो, और आपकी रूम की लाइट पे जैसे कि लगा सकते हैं आप 220 वोल्ट सी रिले के साथ लगा सकते हैं, ऐसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं इसी 4017 आईसी के बारे में, आईसी के साथ में। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं इसी आईसी के साथ में। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स में हम इसी आईसी को यूज करेंगे, और कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बना के दिखाऊंगा आपको, आपको डेफिनेटली वो पसंद आएगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ये साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ये बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, तो कि ताकि जब मैं अपलोड करूँगा तो नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरा ये प्रोजेक्ट, जो पिछले वाला जो प्रोजेक्ट्स है उसको भी चेक करें, आपको पसंद आएगा। ठीक है, और थैंक यू दोस्तों, बाय, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।